हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लोगों को पीएम मोदी सर ने बोला है कि हम लोगों को घर पे ही रहना है, तो हम लोगों को ये लॉकडाउन अच्छे से फॉलो करना है, तभी हम लोग ये कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे और हम लोग ये जंग जीत पाएंगे। सभी लोग लॉकडाउन में हैं और ये लॉकडाउन कब तक रहेगा हम लोगों को अभी भी पता नहीं है। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो हम लोगों को हमेशा प्रिकॉशन लेना ही है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है अगर हम लोग बाहर गए तो ऐसे जो बेसिक रूल्स है जिससे हम लोग कोरोना वायरस से दूर रह पाएंगे, उसके लिए हम लोगों को हर एक स्टेप्स बाद में भी रखना पड़ेगा। क्योंकि एक वायरस जब फैल जाता है उसका एकदम से ख़त्म होना नामुमकिन होता है, और ये वायरस से दूर रहने के लिए हम लोगों को हमेशा मास्क पहनना ही पड़ेगा। होममेड मास्क हम लोग पुराने कपड़े से कैसे बनाते हैं आज मैं वही दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अभी बाहर सब मार्केट बंद है। हम लोग बाहर जाएंगे तो कुछ कपड़े लेने के लिए वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि सब दुकानें बंद है। तो अगर हम लोग कोई पुराने कपड़े से ही हमारा एक अच्छा मास्क बना पाएंगे तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। तो ये लॉकडाउन तो है ही अभी और आपके पास टाइम भी है, तो क्यों ना कोशिश की जाए घर पे ही एक दो मास्क बनाएं। तो चलिए देखते हैं एक होममेड मास्क कैसे बनाते हैं घर पर। मैंने यहाँ पर एक व्हाइट कलर का टी शर्ट लिया है। अभी मैं स्केल से 38x20 सेंटीमीटर माप लेके एक टुकड़ा यहाँ से काट लिया है। अभी कपड़े को एक फोल्ड करना है। दोनों साइड से 7.5 सेंटीमीटर मैंने माप लिया है और अभी उसको स्टिच करूँगी। अभी स्टिच को फैला के इसको दोनों साइड से प्रेस करना है इस्त्री से। मेरे पास ये मोटा काला इलास्टिक था तो मैं अभी यही यूज़ कर रही हूँ और इसका माप मैंने लिया है 7.5। अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो कपड़े का भी डोरी बना के आप लगा सकते हो यहाँ पर। अभी इलास्टिक को अंदर रख के दोनों साइड से इसको सिलाई करना है। इलास्टिक लगाने के बाद दोनों साइड में पूरा स्टिच करके ये साइड बंद कर देना है। हम लोगों ने जो फर्स्ट स्टिच किया था उसमें जो गैप रखा था वो गैप से हम ये मास्क को पूरा पलट लेंगे। एक बार प्रेस करना है और वीडियो में मैंने जैसे दिखाया ऐसे फोल्ड करके करके इसको इस्त्री से प्रेस करना है। सब फोल अच्छे से प्रेस होने के बाद इसको स्टिच करना है दोनों साइड से।
स्टिच करने के बाद आपका मास्क रेडी हो जाएगा। पूरा प्लेन व्हाइट है इसलिए मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करूँगी। अभी ये पेंट मेरी बेटी कर रही है और आप लोग भी कर पाओगे, ये बहुत इजी पेंट है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक पेंट यूज़ किया है। पुराने कपड़े का मास्क अब नया मास्क बन गया है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।